previously on Minecraft. अबे यार सारे zombies बन गए यार, shit यार, देखो यार मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। तुम दोनों को जो करना है करो, I don't care. बट देखो मेरे विलेज के कुछ रूल्स हैं, ठीक है? मैं अपने विलेज में इनब्रीडिंग को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? समझ गया ना भाई? तू बड़ा है, तू समझेगा ज़्यादा, ठीक है? तो ये एक वार्निंग है, ठीक है? तो अब मेरे को क्या करना है भाई? सीधी सी बात, मेरे को एक केव ढूंढना है और उसमें मेरे को डायमंड की खुदाई करना है। बस मेरे पास कोल तो है ना, ये कोल ये रहा और मेरे आयरन इनगट्स मतलब रॉ आयरन, इसको पकने दो। तो चलो फिर से चलते हैं एक गड्ढा ढूंढने, बड़ा सा गड्ढा। ओ भाई ये रहा एक और गड्ढा, ये पानी मैंने ही डाला है क्या भाई? मेरे को याद नहीं है। तो इसी पानी पानी के सहारे मैं अंदर जाता हूँ। देखो मेरे पास टॉर्चेस वगैरह कितने हैं, 55 + 64, वाह बहुत सारे डायमंड है, मतलब वो है टॉर्चेस। ये स्केलेटन ना भाई, मेरे पास ना बो और ये एरो वगैरह भी नहीं है, नहीं तो मैं इन लोग को अच्छा मजा चखाता। मरना भाई मरना, क्या लेगा मरने का? उफ मेरे को यार, अबे यार टॉर्चेस किधर गए भाई? टॉर्च टॉर्च टॉर्च, ओबे यहाँ पे एक वो है, एक वो है, एक वो है, यहाँ पे एक वो है। अरे क्या कहते हैं भाई, वाह वाह वो आयरन है, आयरन आयरन। मेरा पिकैक्स भी टूटने वाला है भाई, क्या बकवास है ये। ओबे कहाँ से आ रहे भाई इतने सारे? मेरे को ना जगह ब्लॉक करना पड़ेगा ये वाला अच्छे तरीके से, ताकि लोग मेरे को देख ना पाए। यहाँ पे भी एक गड्ढा सा दिख रहा है, बट ये थोड़ा अजीब सा गड्ढा है। अंधेरा भाई अंधेरा, माइनक्राफ्ट में जो है ना भाई सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अंधेरा है। एक क्रीपर दिखा मेरे को भाई अभी, चुपके से यहाँ के सारे आयरन उठा लो, बाकी सारी चीजें होंगी बाद में। मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधे अंदर खुदाई करता हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत ज्यादा रिस्की है, बट भाई कुछ करने के लिए कुछ खोना तो, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना भाई। मेरे को भाई अगर 4-5 भी डायमंड मिले ना, थोड़ा बहुत एक पिकैक्स वगैरह बनाने के लायक, तो मैं भाई भाग जाऊंगा यहाँ से। खाना खा, यहाँ पे मेरे को एक टॉर्च लगा देना चाहिए, ठीक है? बहुत बढ़िया, चल तू मर साले हरामी के बच्चे मर, और अंदर जा सकता हूँ। वेरी नाइस स्केलेटन यार, आयरन क्या करूँगा मैं भाई? ओ ओ ओ फर्स्ट आयरन। ए भाई तू मारेगा क्या? तू हॉस्टाइल है? ओ यार हॉस्टाइल है भाई, फाइनली एक डायमंड मिला, तो एक हरामखोर मेरे सामने भी मिल गया। यहाँ पे भाई सबसे पहले वो करो, टॉर्चेस लगाओ और इस जगह को, नहीं पहले भाई डायमंड लो। क्या है मेरे पास कुछ आलतू फालतू? ये लेदर फेंको यार, लेदर कौन रखता है भाई? ये डायमंड लो भाई। ओ भाई फाइनली भाई रुला दिया भाई डायमंड लेने के लिए, बस एक डायमंड, क्या बकवास है ये। ये आयरन भी मैं ले ही लेता हूँ, तो वही डायमंड, फिर और एक डायमंड, वाह मजा सा आ गया भाई, मजा। भाई मेरे को तो सबसे ज्यादा मुझे खुद दया आ रहा है, किस बात पे पता है? कि मैं -12 लेवल पे खोद रहा था। ये बात कितनी पुरानी है, माइनक्राफ्ट 1.2 का जब अपडेट आया था ना, तो ये सारे साले माइनक्राफ्ट वालों ने ये चेंज कर दिया। इन मकड़ियों को पहले पेलना पड़ेगा, चल चल निकल यहाँ से निकल। यार इतने सारे मकड़े यार, आग क्रीपर क्रीपर भाई, लावा है भाई, आ क्या करूं भाई मैं, अब क्या करूं, अब मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया भाई। अब ये पोर्क पका तू पहले, मैं एक फर्नेस लेके चला जाता हूँ मेरे साथ में। मैं आई गेस 40 लेवल के आसपास था, तो मैं एक ट्राई करता हूँ, मैं यहाँ से सीधा खोद लेता हूँ। कहाँ पे गया था मैं, भूल भी गया। यहाँ पे टॉर्च है, मैं आ चुका हूँ ये तो पता है। कहाँ गया था मैं भाई, कहाँ गया था यार? यहीं पे था मैं, नहीं यहाँ पे तो नहीं था भाई। टॉर्च मारो भाई टॉर्च मारो, कुछ दिखे तब ना आदमी काम करे भाई। ये क्या है भाई यार, आयरन, कितना आयरन लूंगा मैं भाई? आयरन देख देख के तो मैं पक चुका हूँ। ये साले आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी भी होंगे, चोर जेब कतरे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक ही जगह में मैं तब से गोल गोल घूम रहा हूँ।
ये देखो ये एक ये हरामखोर से मेरे को ना सख्त नफरत है पता है, इसी ने मेरे वो विलेजर्स को मौत के वो घाट उतारा था साला। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया हूँ मैं? नहीं यहाँ पे नहीं आया हूँ, ये भी एक फालतू सी जगह ही है। अपने टॉर्चेस वेस्ट कर रहा हूँ बस मैं यहाँ पे आके, कहीं इधर उधर करते करते मैं लावा में ना गिर जाऊँ। लावा की डुबुक डुबुक आवाज़ तब से आ रही है मेरे को। अबे यार एक ही जगह में क्यों आ रहा हूँ मैं घूम फिर के बार बार? ओ भाई मेरे को लगा मैं गया लावा में। बच गया बच गया बच गया। ये बेकार की जगह है यार, मैं अपने टॉर्चेस वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आके। देखो घूम फिर के ये चीज मैं कम से कम 3 से 4 बार देख चुका हूँ। ये यहाँ पे तो लावा है, तो मेरे को ना मैं जहाँ से आया वहाँ से मेरे को फिर उठ के दोबारा कहीं दूसरी जगह में छान मारना चाहिए। ये जगह फालतू सी है, इस तरफ जाके देखते हैं, इस तरफ कुछ गड्ढा वगैरह मिल जाए तो सही रहेगा। चल यहाँ पे वो नई जगह मेरे को फील आ रही है, नई जगह है ये। यहाँ पे दुनिया भर के फालतू लोग। अबे फूटना, जोम्बी को भी फूटा देता भाई। चोट लग गई भाई चोट। अबे ये बच गया हरामखोर, ये बच गया सालिया। सालिया तू बच कैसे गया? आलू से मार रहा हूँ मैं इसको। और चल बहुत बढ़िया, यहाँ पे टॉर्च लगाओ। यहाँ पे एक और हरामखोर हॉस्टाइल। चल तू मर, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। मेरे को खाना खान दे। ओ भाई एक डायमंड मिला, बट क्या फ़ायदा भाई, मेरे पुराने डायमंड तो गायब ही हो गए। एटलीस्ट अब भाई पता नहीं मेरे को पत्थर के इस पिकैक्स से डायमंड टूटता भी है या नहीं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। क्या यार सीरियसली भाई, क्या बकवास है ये यार। शील्ड तो मेरी बची नहीं भाई, शील्ड अगर रहता ना तो काम थोड़ा सा और आसान हो सकता था, बट शील्ड ही नहीं है। मैं कोई दूसरी जगह ढूंढता हूँ खुदाई करने के लिए। ठीक है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधी सी बात। ओ भाई फाइनली मैं निकला उस घटिया से केव से, और ये मैं अपने विलेज में निकला हूँ। ठीक है यस, तो मेरे रिसोर्सेस हैं, मैं पहले उनको सॉर्ट कर लेता हूँ। रॉ गोल्ड को रख देता हूँ, और ये क्या कहते हैं इसको, रेड स्टोन को भी रख देता हूँ। कोल को भी नहीं, कोल मैं अपने साथ ही लेके जाऊँगा भाई। कोल तो बहुत वो कॉमन है, मिल ही जाता है, बट कोल काम का भी चीज़ है। मैं फर्नेस कोल ये सब सारी चीज़ें अपने पास ही रखने वाला हूँ। और हाँ ये लैपिस लाजुली को भी यहाँ से हटा दो। एक काम करता हूँ ना मैं सबसे पहले अपने स्ट्रिप माइन में जाके देख लेता हूँ, वहाँ पे कहीं अगर कोई अलग से गड्ढा होगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन तक अपने ये इस माइन को मैंने विजिट नहीं किया। क्या पता वहीं पे मेरे को एक अच्छा सा गड्ढा मिल जाए जिसमें मैं घुसूँ और मेरे को मस्त सा डायमंड वगैरह मिल जाए। माइनस एक बात मैं तुम्हें बताऊँ, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ उसका अभी तुम्हें वो मिलेगा एग्जाम्पल। देखो पहले माइनक्राफ्ट में 12th लेवल तक खोदने बोला जाता था, ठीक है? और भी 12th मैंने नॉर्मल 12th लेवल नहीं, माइनस 12th लेवल। और मैं किस लेवल पे हूँ तुम लोग देखो, प्लस 12th में भाई। तो कैसे मिलेगा डायमंड मेरे को? तभी मैं सोचूं भाई इतना मैं भाई सही में भाई भाई पोपट, इतना बड़ा पोपट हूँ मैं कैसे भाई, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे एक गड्ढा सा मेरे को दिख रहा है, ठीक है मैं यहीं से जाने वाला हूँ। ओ भाई साहब मस्त जगह है, तो भाई मेरे को अपने खोदे हुए गड्ढे में ही अच्छी खासी जगह मिल गई भाई। यहाँ पे बस एक बड़ा सा केव मेरे को मिल जाए तो मजा सा आ जाएगा। जगह तो बड़ी मस्त है, जाने आने के लिए बहुत परफेक्ट है अगर याद रहे तो। -50-59 लेवल पे आओ तब ना मजा आए भाई, वहीं पे तो डायमंड्स मिलते हैं। अरे जैसे तैसे करके लोग मेरे को ऊपर ही भेज रहे हैं भाई। ओ भाई साहब ये जगह ठीक लग रही है भाई, यहाँ पे मिल सकता है मेरे को थोड़ा अंदर जाने तक का जगह भाई। बड़ी सी केव दो यार, बड़ी सी केव, छोटी से भाई कंजेस्टेड एरिया दे रहे हैं मेरे को तब से। ओए ओए स्केलेटन, अब मैं भूल जा रहा हूँ कि मेरे पास शील्ड नहीं है भाई। बहुत बढ़िया, लड़ो लड़ो लड़ो, खुद ही लड़ो, बहुत बढ़िया, खुद ही में लड़ रहे हैं। मेरे को मजा आ रहा है, देखो देखो तुम भी देखो। ये देखो
आ देखो देखो, ओए डायमंड डायमंड डायमंड, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। इन स्केलेटन्स के चक्कर में अब ये हरामखोर मेरे पीछे पड़ेगा, तो इसको पहले ख़त्म करते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। तो अब डायमंड किधर गया? ये रहा डायमंड। अब भाई चार पांच डायमंड मिले भाई, एक ना मिले। ओए मैं, हाँ चलो आयरन से ही खोद रहा हूँ मैं भाई, पता चला पिछली बार की तरह। हाँ चलो, एक नहीं है, तीन चार डायमंड्स है भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, मिल जा, बहुत बढ़िया। बस कितने मिले? पांच डायमंड। चलो भाई एटलीस्ट पांच तो दिखा मेरे को भाई। लावा में नहीं गिरना भाई, लावा में नहीं गिरना। मेरे को आवाजें आ रही है, ओए वहां पे वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, वो लोग देखो 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 आराम को। ओ ओ भाई बहुत बड़ी जगह है भाई, बहुत बड़ी जगह, यहाँ पे मेरे को डायमंड वगैरह मिल सकते हैं। हाँ ये खतरनाक जगह ही है जैसा कि मुझे लगा ही था। सबसे पहले भाई मैं ना, मुझे डर लग रहा है अब, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस जगह को पहले ब्लॉक करो, ब्लॉक करने के बाद मैं ना वो कर लेता हूँ। सबसे पहले अभी मैं स्मेल्ट करके एक पहले सबसे पहले एक शील्ड बना लेता हूँ भाई। तो अब हम यहाँ पर टॉर्चेस वगैरह लगाते हुए चलते हैं और ढूंढते हैं भैया डायमंड। बहुत बड़ी जगह है तो थोड़ा सा और डर लग रहा है मेरे को। ओह भला सामने आ गया एकदम से भाई। अब मेरे पास शील्ड है, मैं थोड़ा सा बैड ऐस हूँ, ठीक है। अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ओ भाई क्या है ये, क्या बकवास है भाई, इतनी बड़ी जगह तो है ठीक है भाई, नेदर वर्ल्ड लग रहा है पूरा भाई। ओ भाई मेरे को यहाँ से ना, मेरे को अब डर लग रहा है, मेरे को मन कर रहा है मैं निकल जाऊँ यहाँ से। यहाँ पे लावा वगैरह से भी मेरे को सावधान रहना पड़ेगा भाई। चल निकल, ओए निकल 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 निकल। अबे कितने हैं भाई कितने? ओ भाई छुटकू छुटकू खतरनाक है भाई। अबे इसके कंधे पे बैठ गया देखो। है तो ये लोग क्यूट भाई, जो भी बोलो। अब ये अब तहलका मचाएगा मेरे अंदर। अब पीछे से स्केलेटन भी पेल रहा है मेरे को भाई, क्या करूं भाई, समझ नहीं आ रहा। ये जगह भी मेरे को डिसअपॉइंट ही कर रही है भाई। अब मैं कहां? ओ भाई क्या क्या बकवास है ये। अबे भाई अब मैं कहां से ढूंढूं भाई ये। मेरे कोऑर्डिनेट्स थे भाई 437 और -5, और मैं सीधे उसी जगह में एकदम सीधा गड्ढा खोद के जाने वाला हूँ। इस जगह में सीधे मैं खुदाई करने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं अपना सामान ले रहा हूँ और निकल रहा हूँ भाई। बस भाई प्रे कर रहा हूँ मैं गॉड को कि डिस्पॉन ना हो जाए भाई, डिस्पॉन हो जाएगा तो मैं सही में बुरा मान जाऊँगा इस बार। मेरा सामान, मेरा सारा सामान। ओ भाई मेरा सारा सामान यहीं पे भाई, प्लीज़ 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 यार, कोई मेरे को मत आना मारने, मेरे मेरी हेल्थ भी बिल्कुल नहीं बची हुई है भाई। भाई यार जगह भी नहीं बची है मेरे पास यार। मेरे को पहले टॉर्चेस वगैरह लगा देने चाहिए। अब मैं अपना ये फालतू की चीज़ें फेंको यार, कौन रखता है ये सब फालतू फालतू की चीज़ें। हाँ चलो एटलीस्ट मेरा सामान मेरे को दिख रहा है भाई, इस बात की तो बहुत ज़्यादा खुशी। अबे डायमंड ले भाई, डायमंड ले, डायमंड ले, और कुछ नहीं चाहिए, डायमंड ले। अब चलो शील्ड भी मिली, ठीक ही है, कोई बात नहीं। अब ये फेंको और डायमंड लो। खाना है? खाना मैंने पिक किया क्या? हाँ भाई खाना खा के थोड़ी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ भाई। साले हरामखोर लोग पीछे पड़ जाएंगे ना तो भाई दिक्कत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मेरे को मेरा सारा मेरा ऑलमोस्ट, वो भाई इंपॉर्टेंट सामान मिल गया। चलो भाई भाड़ में जाए। वो नहीं, चेस्ट प्लेट बाकी है भाई, चेस्ट प्लेट। चल चेस्ट प्लेट ले, चेस्ट प्लेट इसको मैं लगा लेता हूँ। ओ भाई इतना अच्छा लग रहा है भाई, मैं तुम्हें, ओ क्या बकवास है भाई। आजा पिकेक्स पिकेक्स पिकेक्स। तो मैं क्या फेंकूँ, ये लकड़ी फेंक देता हूँ। पिकेक्स, हाँ आ गया मेरा पिकेक्स, बहुत बढ़िया। हाँ यहाँ से अब उठो, वो रहा मेरी ओपनिंग, मेरे को सीधी दिख रही है, बस यहाँ से मेरे को सीधा ऊपर की तरफ जाना है, बहुत बढ़िया। अरे यार मैं इसको क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पत्थर ले लेता हूँ। चल बहुत बढ़िया। आह भाई चलो कुछ तो भाई, कुछ तो मैंने किया भाई इस एपिसोड में। मेरे को लग रहा था मेरे को ये एपिसोड खाली खाली अपलोड करना पड़ेगा। कुछ डायमंड्स के पीछे कितना दिमाग खराब हो गया। चलो अब कुछ नहीं देखना, अब सीधे जाना है अपने को घर भाई। ओए यहाँ पे एक डॉगी है भाई। अबे ठीक है, इन डॉगीज़ को मैं ना, मैं चाहता हूँ कि मैं टेम करूँ। मेरे पास हड्डी वगैरह हो? हाँ मेरे पास हड्डी है। चलो एटलीस्ट एक डॉग को शायद मैं ले जा सकता हूँ। खाएगा ले,
चलो भाई एक अपना डॉग बन गया, चल आ जा भाई मेरे पीछे आ, मेरे को अगर कोई कुछ करे तो तू उसको पीट देना, ठीक है? थैंक यू ब्रो। ओ भाई कितना अच्छा लग रहा है अपने घर में आके, जो भी हो भाई घर जैसे भी टेढ़ा बेढ़ा हो, जैसे भी हो, आई डोंट, ओबे मेरे डॉगीज को, अबे डॉगी मार 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 उसको, मार मार उसको मार, अबे तू क्यों डैमेज ले रहा? ओ भाई मार दिया मेरे डॉगी को उसने, शिट यार। अबे मरना, अब मरना नहीं है भाई, अब मरना नहीं है भाई, जितना मर लिया था इतना काफ़ी है भाई, अब नहीं मरना। चलो डॉगी तो मैं दूसरा फिर ले आऊँगा, लेकिन भाई मरना नहीं है। ओफ भाई फाइनली मैं आ गया अपने घर में, तो मैं अपने विलेजर्स वगैरह से मिल के आता हूँ, देखता हूँ क्या अपने क्रियाक्रम में लगे हुए हैं या नहीं, उन्होंने कुछ किया वगैरह या नहीं। चलो भाई तीन विलेजर्स थे क्या मेरे पास, या फिर दो थे, आई डोंट नो, चार हो गए, बहुत बढ़िया। तो भाई थैंक यू तुम लोगों का यहाँ पे रहने के लिए, अब तुम लोगों को कुछ टाइम बाद मैं बहुत सारे जॉब ब्लॉक्स लेके आऊँगा, ठीक है? तो तुम लोगों को नौकरी करनी है, ठीक है? तो यह इतने तामझाम वाले दिन के बाद एक प्यारी सी सुबह निकली है, और इसी सुबह के साथ मैं करता हूँ गुड बाय आप लोगों को, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।